यूक्रेन में रूसी हमले में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई है। भारत में विपक्षी पार्टी कांग्रेस इसके लिए सरकार को जवाबदेह ठहरा रही है। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के की प्रवक्ता रागिनी नायक हैं। नवीन की मौत हुई, प्रधानमंत्री ने उनके पिता से बात की है, सरकार ने रूस और यूक्रेन दोनों के राजदूत जो देश में हैं उनको तलब किया है और सुरक्षित वापसी की कवायद में सरकार लगी है। नवीन की मौत पर आप लोग घेर रहे हैं सरकार को, इसकी क्या वजह? नवीन की मौत क्यों हुई? नवीन सुरक्षित रह पाता यूक्रेन में, युद्ध की परिस्थिति होने पर उसे सेफ पैसेज मिलता और उसकी सुरक्षित घर वापसी होती, ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी थी? मोदी सरकार की थी। प्रचंड बहुमत देकर जिस जनता ने इस विश्वास के साथ अभिभावक बनाकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। और मैं समझती हूँ कि आज शर्मसार होना चाहिए मोदी जी को, पूरे उनके मंत्रिमंडल को और हर एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को भी, जो कि घर वापसी चिल्लाते रहते थे। और आज जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है 20,000 छात्र छात्राओं को घर वापसी की, तो आज पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। और मुझे बहुत दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि मन को विचलित करते हुए तमाम वीडियोज़ आ रहे हैं। एक वीडियो आया है जिसमें एक लड़की बोल रही है कि 3 लड़कियों को अगवा कर लिया गया है। उसकी क्या सच्चाई है? उसका सत्यापन कौन करेगा? क्या भारतीय छात्राओं को अगवा किया जा रहा है? क्या एक बहुत बड़ी तादाद है स्टूडेंट्स की जो लापता हो गए हैं? क्या कोई ऐसी सूची है भारत सरकार के पास कि कितने स्टूडेंट्स डेंजर जोन में हैं, कितने बंकर में हैं, कितने लापता हो गए हैं? क्या एक डिटेल्ड आउट इवैक्यूएशन प्लान है? क्या मोदी जी ने पर्सनली रशियन और यूक्रेनियन हेड ऑफ स्टेट से बात करके हमारा सेफ पैसेज सुनिश्चित करवाया है? क्या कोई ऐसी एक बॉर्डर कंट्री है, हंगरी हो, पोलैंड हो, रोमानिया हो, जिसने सेफ पैसेज देने के लिए हाँ भर दी है? इन सारे बातों को सार्वजनिक करना मुझे लगता है मोदी जी की जिम्मेदारी है। और जनता को ये पता चले, माता पिता को पता चले, ये उनका अधिकार है। और अगर इस दिशा में कुछ नहीं हुआ है तो मैं समझती हूं कि ऑपरेशन गंगा के नाम बड़े और दर्शन छूटे। एक आखिरी में मैं पूछूंगा मैम, प्रधानमंत्री ने लगातार उच्च स्तरीय बैठकें की हैं, वो फिर एक बैठक कर रहे हैं, सरकार को क्या सुझाव आप देना चाहेंगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि सरकार को तत्काल ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई नवीन के साथ वैसी आगे ना? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब समय रहता है तब सरकार को कोई सुझाव चाहिए नहीं होते हैं। वो किसी तरीके के वार्तालाप, किसी तरह के संवाद में विश्वास नहीं करते हैं, चाहे सड़क पर हो, चाहे संसद में हो। लेकिन इसके बावजूद जो 5 चीज़ें मैंने आज आपको बताई, एक तो विरोधाभासी एडवाइजरी जारी करना बंद करें। कभी आप कहते हैं कि गूगल मैप के सहारे आप बंकर ढूंढ लीजिए, कभी आप कहते कि कीव खाली कर दीजिए जब इतनी बमबारी हो रही है, गोलाबारी हो रही है, ये बंद कीजिए। दूसरा, इंडियन एम्बेसी को एक लोकलाइज्ड कोऑर्डिनेटेड सिंक्रोनाइज्ड एफर्ट करना पड़ेगा। अगर वो नहीं होगा तो आपके पास ये सूचना भी नहीं होगी कि कौन से स्टूडेंट्स कितने, एक बंकर में कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने ऐसे बंकर हैं, वो पता लगाएं। तीसरा, जल्द से जल्द बॉर्डर कंट्री से बात करके, कम से कम एक बॉर्डर कंट्री तो ऐसी हो जो हमें सेफ पैसेज दे, फिर इंडियन एम्बेसी वहां तक ले जाने के लिए क्या मदद कर सकती है ये तय करना। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी को पर्सनल एफर्ट भी करना पड़ेगा, कम से कम यूक्रेन और रशिया के साथ, कि उनकी आर्मीज जो हैं वो हमारे छात्रों के साथ बदसलूकी करना बंद कर दें। और ये त्वरित कार्रवाई होगी। चुनाव बहुत आते रहेंगे, हार जीत बहुत होती रहेंगी, अब तो ज्यादातर चुनाव निकल ही गया है, लेकिन अगर नवीन जैसे किसी छात्र की जान चली जाती है तो वो कभी वापस नहीं आएगी। शुक्रिया रागिनी जी हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ जैनेन्द्र, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।